हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। ठीक है, तो हम लोग कन्वेक्स लेंस देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग कनकेव लेंस में जाएंगे जिसमें हमें सिर्फ दो ही प्लेस पे ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स को देखेंगे कि एक्चुअली कनकेव लेंस में जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो किस रूल के तहत फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देखते हैं। इसमें भी तीन रूल्स हैं, तो आइए हम तीनों रूल को देखते हैं, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस में एक्चुअल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले रूल देखते हैं, आइए। पहला रूल हमारा है रूल नंबर 1। ठीक है, तो रूल 1 क्या कहता है? सबसे पहले हम एक कनकेव लेंस बना लेते हैं, उसके बाद रूल में जाएंगे। तो आपको पता ही है कनकेव लेंस कैसा होता है, जो कि बीच में क्या हो, थिन हो और एजेस पे थिक हो। बीच में थिन और एजेस पे थिक, उसको हम बोलेंगे कनकेव लेंस। ठीक है, और ये हमारा सेंटर लाइन हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो। यहाँ पे जो कट हुआ है, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर सी, ये हमारा एफ, ये 2F, ये एफ डैस, ये 2F डैस। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा कि कनकेव लेंस के केस में हमारा जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में रहता है और कॉन्वेक्स लेंस में राइट में रहता है। तो इसका जो फोकस है, ये फोकस एफ जो है वो एक्चुअल फोकस है। ठीक है, और एफ डैस जो है वो झूठा फोकस है। ठीक है, तो एक्चुअल हमारा एफ फोकस है यहाँ पे। ठीक है, तो रूल वन क्या कहता है? रूल वन कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होना चाहिए? फोकस से गुजरना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये अपने झूठे फोकस से तो नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो इसका असली फोकस कहाँ है? असली फोकस यहाँ है। तो अगर असली फोकस यहाँ पे है, तो ये पीछे बाउंस बैक भी होके नहीं आ सकता है, क्योंकि ये मिरर तो है नहीं, तो इसे तो आर पार जाना ही जाना है। ठीक है, और आर पार जाने के बाद इस फोकस से भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो झूठा फोकस है, रियल फोकस ये है। तो ये क्या करेगा? ये बस इमेजनरी लाइन, मतलब दिखाएगा कि मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद फोकस से ही पास हो रहा हूँ, लेकिन ये इमेजनरी रूप से दिखाएगा। एक्चुअल कहाँ से होगा? ऐसा कुछ होगा एक्चुअल। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसा शो करेगा कि मैं फोकस से ही गुजरते हुए आ रहा हूँ। तो दिस इज आवर रूल नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम लोग सेकेंड रूल पे चलते हैं, आई होप क्लियर होगा आप लोग को। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल 2 देखते हैं। रूल 2 हम लोग यहीं पे देखने का कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, रूल 2 हमारा क्या कहता है? रूल 2 हमारा कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये तो कॉमन रूल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट आके ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधा ही चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरता हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बिना बेंड किए हुए सीधे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल 2 था। अब हम लोग रूल 3 देखते हैं, रूल नंबर 3, और इसी बेस्ड पे हम लोग सारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो रूल 3 के लिए हम एक नया फिगर बना लेते हैं फिर से। ठीक है, तो ये हमारा कनकेव लेंस हो गया फिर से, जो कि सेंटर पे पतला रहेगा और एजेस पे थिक रहेगा, मोटा। ठीक है, सेंटर लाइन जरूर बनाना है, क्योंकि सेंटर लाइन से ही हमारा रिफ्रैक्शन होता है। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2 फोकस, एफ डैस 2F डैस।
ठीक है। अब क्या होगा, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा प्रतीत करते हुए आ रहा है कि वो जाके डायरेक्ट कहाँ गिरेगा, फोकस पे ही गिरेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट ऐसे आ रहा है और वो शो कर रहा है कि मैं फोकस पे जाके गिरूंगा, ऐसा शो कर रहा है बस कि आई विल ड्रॉप ऑन फोकस, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है और डायरेक्ट फोकस पे हो जाए रिफ्रैक्शन के बाद? नहीं। अगर ऐसा होगा, इसका मतलब हुआ तब तो ये सीधे चला गया, और सीधे तो जा नहीं सकता, रिफ्रैक्शन तो होना मस्ट है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो जो रे ऑफ लाइट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था, ठीक है। मतलब ये शो कर रहा है कि मैं फोकस पे जाके गिरूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद सीधा तो जा नहीं सकता है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये हमारा तीनों रूल है। अब इसी रूल पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। बस दो इमेज फॉर्मेशन करना है, उसको देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा सिर्फ दो पोजीशन होगा, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ कहाँ होगा? पहला पोजीशन हमारा होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, और दूसरा जो है वो हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर वन, केस वन हमारा है। तो केस वन, इसमें दो ही केस है सिर्फ, ठीक है। तो केस वन में हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को देखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे रहेगा? बिटवीन, बी बाय डब्ल्यू का मतलब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना एक कनकेव लेंस बना लेते हैं, ओके। दिस इज आवर कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज आवर सेंटर लाइन। यहाँ पे हम लोग अपना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एक्चुअल फोकस हो गया, ये टू फोकस हो गया, ये एफ डैस, ये टू एफ डैस, ठीक है। हम लोग को कहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर मतलब इसके एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमारा इधर कहीं होगा, तो इसके और इसके बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट। हमें इससे क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, फिर नेचर ऑफ इमेज हमें चाहिए, इमेज अगर बन रहा है तो उसका नेचर कैसा है, ठीक है। और हमें फिर थर्ड क्या चाहिए? थर्ड चाहिए हमें साइज ऑफ इमेज, अगर इमेज बन रहा है तो उसका साइज कैसा है। ये तीन चीज़ हमें इस रे डायग्राम से रिजल्ट चाहिए, ओके। तो आइए हम लोग फॉर्म करते हैं यहाँ से। तो हमने अभी रूल पढ़ा था, उसी रूल को अप्लाई करेंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता था? बस वो शो करेगा कि मैं फोकस से झूठ मूठ के तरीके से पास कर रहा हूँ, बस वो ऐसा शो करेगा कि आई एम पासिंग फ्रॉम फोकस, लेकिन एक्चुअल में तो पीछे आ नहीं सकता है, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन हमने इसको एक्सटेंड करके फोकस से पास करा, ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो पास होने के बाद सीधा पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी अगर हम पीछे बैक ला के डैश लाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा दोनों रे ऑफ लाइट कट हो रहा है और यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है? इमेज फॉर्म हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो क्या लिखेंगे? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर मतलब सी एंड एफ, ठीक है। ये हमारा पोजीशन हो गया। नेचर कैसा है? तो नेचर आप देख ही रहे हैं, ये क्या एक्चुअल लाइन से कट रहा है? नहीं, ये तो
इमेजिनरी लाइन से कट रहा है, तो जब इमेजिनरी लाइन से कटता है तो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। एंड सीधा है कि उल्टा है, बिल्कुल सीधा है, अरे ये भी ऐसे है ये भी ऐसे ही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्या है, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज थोड़ा सा छोटा हो गया, और छोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिस्ड, इसका मतलब हमारा साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया, और दैट इज़ डिमिनिस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस ख़त्म। अब हम लोग सेकेंड केस पे चलते हैं। सेकेंड केस हमारा क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज जनरली हमारा फोकस पे बनता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर कनकेव लेंस, ये हमारा सेंटर लाइन, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस टू फोकस, एफ डैस टू एफ डैस, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से बहुत सारे रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आता है तो एक्चुअल में वो कहाँ से पास होता है, जब पैरेलल होता है तो फोकस से पास होता है, लेकिन ये पैरेलल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस के थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ऐसा कुछ, फोकस के थोड़े से ऊपर से जाएगा, ठीक है। और ये शो कैसा करेगा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, शो ऐसे ही करेगा। ओके, अब फिर दूसरा रे ऑफ लाइट मैं लेके आ रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उठा हुआ है, तो ऊपर उठा हुआ है, तो ये भी रे ऑफ लाइट जो होगा वो कैसा शो करेगा कि मैं फोकस से थोड़ा सा ऊपर से कट करते हुए यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये कैसे पास होगा, लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये दोनों कहीं मिलेंगे नहीं, आगे जाके ये दोनों नहीं मिल रहे, तो इसको हमने बैक करके मिलाया है और ये यहाँ पे फोकस पे आके मिल गया है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा हमारा इमेज फॉर्म हुआ है, ए डैस बी डैस, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हुआ है, एट फोकस, इमेज का पोजिशन फोकस पे है, तो लिखेंगे एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, तो क्या ये एक्चुअल रे ऑफ लाइट मिल रही है, नहीं, ये इमेजिनरी मिल रही है, और जब इमेजिनरी मिलता है तो क्या होता है, वर्चुअल। एंड उल्टा है कि सीधा है, तो एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब सीधा है। इतना याद रखना है कि जो भी वर्चुअल इमेज होता है ना वो सीधा होता है, और रियल इमेज जो होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लास्ट में साइज ऑफ इमेज, साइज तो काफ़ी छोटा है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरिजन में वेरी डिमिनिस्ड। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि कनकेव लेंस के केस में हमें जो इमेज मिलता है वो छोटा ही मिलता है, कभी भी बड़ा इमेज नहीं मिलता है। अगर बड़ा इमेज चाहिए तो हमें कन्वेक्स लेंस में जाना पड़ता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कन्वेक्स लेंस में हमें छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है, इक्वल भी मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ कनकेव लेंस में सिर्फ छोटा मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा कनकेव लेंस का भी पार्ट ख़त्म। इस पे उतने न्यूमेरिकल्स बेसिकली है नहीं, एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स आपको कन्वेक्स लेंस पे ज़्यादा है और कनकेव मिरर पे ज़्यादा है, उसको फोकस करना है। अगर इस पे भी आएगा तो कोई इशू नहीं है, सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने आपको कन्वेक्स लेंस की केस में बताया, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब हमारा लाइट चैप्टर में एक टॉपिक बचा है जो कि है पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके।